उज्जैन में एक परिस्थिति उस समय तनावपूर्ण हुई जब सोमेश्वर महादेव की सवारी निकलने लगी। गाइडलाइन के मुताबिक बाबा महादेव की सवारी निकलवाने में अड़े थाना प्रभारी। आपको बता दें कि सावन माह में प्रत्येक रविवार को सोमेश्वर महादेव की सवारी निकाली जाती है और भादव माह के प्रथम सोमवार को नगर के चारों मंडल एकत्रित होकर शाही सवारी पर निकलते हैं, लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष की तरह कोरोना महामारी के कारण प्रशासन द्वारा सामूहिक रूप से निकाले जाने वाली झांकियां, सवारियों एवं अन्य आयोजनों पर पाबंदी लगा रखी है। जैसे ही सोमेश्वर महादेव की सवारी मंडल द्वारा सावन माह में अपने तय समय पर निकली जा रही थी, तभी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मौके पर पुलिस बल सहित उपस्थित थाना प्रभारी मनीष मिश्र हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि इतनी संख्या में आप सवारी नगर में नहीं निकाल सकते। इस पर मंडल कार्यकर्ता एवं उपस्थित लोगों ने इसका विरोध किया और सवारी निकालना चाहिए तो थाना प्रभारी ने कहा कि मैं इस तरह से सवारी नहीं निकलने दूंगा और यदि आप नहीं माने तो आपको मेरे ऊपर से सवारी निकालनी पड़ेगी। मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, शासन के निर्देशों का पालन करवा रहा हूं। बाद में मौके पर SDOP अरविंद सिंह ने आकर मामला शांत करवाया और सीमित लोगों उपस्थिति में छोटे मार्ग से सवारी को निकाला गया। राजधानी लाइव के लिए महेश सोनगरा की रिपोर्ट।